फ्यूचर बुट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज असी करन जा रहे हैं क्लास 10th PSCB दी वेलकम लाइफ दी प्रिपरेशन लेसन 1 टर्म 2 दी तैयारी ली। दोनों मीडियम्स दे विच करन दी कोशिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सो देखो, कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि वेलकम लाइफ नू पढ़ना किस तरह है। देखो, वेलकम लाइफ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तुहानू पढ़ना चाहिए। देखो, सब तो पहला तुहानू इहदे विच कुछ एक्टिविटीज़ होणगीआं, उहदे विचों क्वेश्चन पूछे होणगे। सब तो पहला तुहानू इत्थे दस्सिआ गिआ है कि जिहड़ा हुनर हुंदा है उहनू किस तरह असीं तराश सकदे हाँ। सब तो पहला हुनर नू तराशना, इंग्लिश दे विच असीं कहांगे पॉलिशिंग द टैलेंट। सो जे मैं तुहानू गल करां सल्यूशनज़ दे विच, तां इत्थे तुहानू पूरा सार दित्ता होया, एक तरह नाल दस्सिआ होया कि सब तो पहला पॉलिशिंग या क्राफ्टिंग द टैलेंट दे विच की चीज़ दसी हुई है। सो तुसी इत्थों भी कर सकदे हो। मैं तुहानू फिलहाल बुक दे विचों समझाऊंगी, समझण दी कोशिश करो। देखो, जिहड़ा हर एक बच्चा उहदे अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। हर कोई बच्चे दे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रब ने जरूर दिता है जो उसनू स्पैशल बनाउंदा है। वह कुछ भी हो सकता है, लाइक सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, लिटरेचर, डांस, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है, वह साइकिल चलाना सीख रहा है तो वह डिग रहा है, तो ये कोई माड़ी गल नहीं है। हर बच्चा जो भी साइकिल चला सीखद तो शुरू च जरूर गिरदा, उन्होंने जरूर सट्टा लगदी ने, बट रिपीट जो प्रैक्टिस करता रहता है तो साइकिलिंग काफ़ी प्रोफिशेंट बन जाता है। सिमिलरली, जो असं इनिशियल स्टेज से शुरुआती दिनों लिखना शुरू करते हैं प्राइमरी स्कूल दे विच, उदों साडी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी वधिया नहीं हुंदी, बट असी काफ़ी नीट लिखन लग जांदे जब तक असी 5th स्टैंडर्ड तक पहुँचते हैं। सो ये सारा किस चीज़ का रिजल्ट है? कंटीन्यूअस प्रैक्टिस का, यानी लगातार अभ्यास करन दा। सो ये जिहड़ी स्किल है, इस दे नाल असी स्टेट लैवल दे विच राइटिंग कॉम्पीटिशनज दे विच पोजिशनज भी लै सकदे हां, लाइक फर्स्ट होगी, राइट। नैक्सट है, हुण जिहड़ा सानूं इत्थे दित्ती हुई है, थोड़ा इहदे उप्पर भी देखो। कहते जो असं रेगूलर प्रैक्टिस करांगे, रिपीटड एफर्ट्स देवांगे, तो इहदे नाल साडी जिहड़ी स्किल है उह शार्प होंदी है, यानी वह होर वधिया हो जाती है ते उह आम तो खास बन जाती है, ठीक है। सो इत्थे जिहड़ा साडा ए है कि पॉलिशिंग द टैलेंट, यानी उहदा जिहड़ा पार्ट सीगा साडा हुनर नूं तराशना खत्म हुंदा है। सो हुण किहड़ा एक दे विचों असीं प्रश्न करांगे। पहली क्रिया की है, आओ पछाण करिए, यानी लेट्स आइडेंटिफाई अवर हिडन स्किल्स, जो अपने अंदर छुपिया हुई स्किल्स हैं। सब तो पहला की है, हुण आपां अपने अंदरले हुनर बारे अपनी वर्कशीट ते लिखांगे। सब तो पहला, मैनू खेडना, लिखना, गाउना, जाना वधिया लगता है। जे तुहानू इन्हां तिन्नां विचों कुछ लगदा तुसीं उस ते टिक लगा दोगे, या जे तुहानू उस तो इलावा कुछ होर पसंद है तुसीं डैश की जगह ते लिख दोगे। इंग्लिश दे विच की है, आई लाइक प्लेइंग, राइटिंग, सिंगिंग और डैश। सो मैं तुहानू दसांगी, तुसीं इहदे विच कुछ भी लिख सकदे हो, इहदे विच मेरा दसण वाला कुछ भी नहीं है, तुसीं इहदे विच कुछ भी लिख सकदे हो, अपनी तुहाडी इह है। सो जी, असीं इस दे विच देखिए, सो इहदे विच सानूं सजेस्टिव आंसर दिता होया डांसिंग, तुसीं तां अपनी मर्ज़ी दा लिख सकदे हो। आई एंजॉय कनैक्टिंग विद दिस डैश स्किल। सो इहदे विच तुसीं कुछ भी लिख सकदे हो, राइटिंग, डांसिंग, कि मैनू बहुत खुशी होंदी है इस जिहड़ी स्किल है नाल कनैक्ट होके। नैक्सट है, आई हैव दिस स्किल डैश आई गैट सैटिस्फैक्शन वैन आई शेयर इट विद माई पेरेंट्स और पीस दैन आई गैट अ गुड नाइट स्लीप। कहते मेरे को स्किल है, मैंने बहुत ही ज़्यादा तसली फील होंगी जो मैं अपने पेरेंट्स के नाल इस स्किल को शेयर करती हाँ। सो तुम ये कुछ भी लिख सकते हो, तुहाडे विच राइटिंग की स्किल है, तुहाडे विच डांसिंग की स्किल है, तुहाडे विच सिंगिंग की स्किल है। नैक्सट है, ईवन इन ड्रीम्स आई स्टे कनैक्टिड विद द स्किल ऑफ, यानी सुपनिया के भी मैं इस स्किल ना कनैक्ट रहना। तुम कोई भी स्किल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इतने सजेस्ट किया हुआ सिंगिंग। सो ये तो जो पहली एक्टिविटी से काफ़ी ईजी सी। नैक्सट एक्टिविटी पर चलते हाँ। सो आ जाएंगे साढ़े को नैक्सट क्रिया दो, वेट अ मिनट। ये की है साढ़े को, लिखन की रुचि वाले विद्यार्थी मेरा सपना विषय के 10-17 लिखणगे। देखो ये बुक के फिल कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें की करना है, एक्टिविटी 2 के जिहड़े स्टूडेंट्स नू सिंगिंग पसंद है उन्होंने सिंग करने पूछा जाएगा एक सोंग किसी भी लैंग्वेज के,
ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਇਮਸ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਾਟਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਓਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਸਟ 5 ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਯੈਸ, ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਐਸਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਿਸੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3 ਕੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਰਲ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲਸ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ ਫਰੋਮ ਬਰਥ, ਹੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਟ ਦਿਸ ਬੋਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਬੀ ਕਾਰਵਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ 1, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਦੈਟ ਦ ਪਰਸਨ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਲੌਕਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਨਫ ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਥੋਟਸ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਇੰਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਯਾਨੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਥੋਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਨ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਲਚਕੀਲਾ, ਰਿਜਿਡ ਮੀਨਸ ਸਖਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਅਨਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਇੰਡਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਫਸਟ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੂਨ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਫਸਟ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ੋਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਇਜ਼ ਈਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜਿਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਕਾਰਟੂਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਿਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਰਿਜਿਡ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ 8 'ਚੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜਿਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਇਹਨੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਅਪ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੇਂਜਿਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਜਿਡ ਮਾਈਂਡਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਸ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਾਇੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਲਵ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਵ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਵ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਜਿਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੋਕਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਕੁਛ ਸਰਟਨ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ,
या फिर जिवें एग्जाम्स दे विच अनफेयर मीनस नू ना यूज करना। ठीक है जी, सो हुण साडे कोल इक क्वेश्चन है, वट शुड बी टूडे सोशल सनैरियो इफ दे हैड नॉट डन सो। सानू क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, कहिंदे कि अज दा सोशल सनैरियो की होएगा इफ दे हैड नॉट डन सो। इस तो पहले साडे कोल इक ब्लू लाइन दिखती हुई है कि तुसीं जानते हो उन्हां लोकां दे नाम इंडियन हिस्ट्री दे विच जिन्हां ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोसायटी नू चेंज करन दे विच ते उन्हों सोशल लैवल्स यानी बुरे जिहड़े एविल्स होंदे आ उन्हां तों बचाण दे लई अपने फ्लैक्सीबल एटीट्यूड दे नाल। सो असीं इस दा आंसर लिखांगे इसी क्वेश्चन दा, ते उन्होंने पूछा कि इहदा आंसर देना सी इहदे विच। सो वेट अ मिनट, असीं दा आंसर दिंदे आ। इहदे विच की है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स आ इंडिया दे विच, तुसीं एसएससी दे विच पढ़दे ही हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री दा लास्ट चैप्टर है तुहाडा 9th चैप्टर, उहदे विच तुसीं पढ़िया ही होएगा बहुत सारे इंडिया दे विच सोशल रिफॉर्मर्स है जिहड़े सोसाइटी दे बैटरमेंट लई काफ़ी काम कीता है, ते उन्होंने काफ़ी हद तक सोशल एवल्स अगेंस्ट फाइट की है। उन्होंने कुछ ने राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। ठीक है, हूँ असं नैक्सट क्वेश्चन का आंसर देवे कि अज का सनैरियो सोशल सनैरियो की होंगे जो उन्होंने ना किया हों। सो जे उन्होंने ये चीज़ा नहीं की होंगे यानी सोशल लैवल्स के अगेंस्ट ना लड़ाई की होंगी तो हूँ भी सोसायटी के होने से यानी वूमेन कोई इक्वल राइट्स नहीं होने से, सती प्रथा, विडो मैरिज, री मैरिज सब होना सगा, तो यह सब हूँ तक होना से। इस करके जोड़े लोग से इन्हों जो सुपरस्टिशियस है अंधविश्वास से इन्हों ब्लाइंडली फॉलो करते रहते बिना कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, साड़ी जी एक्टिविटी है ये भी इतने खत्म होंगी है। सो अगे चलते हैं असी, अगे की है साढ़े को, वेट अ मिनट, अगे क्यों जा रहा है। सो नैक्सट की है, कहते प्यारे बच्चों तुसी फ्यूचर जोड़ा नेशन है वो बिल्डर्स यानी तुसी अगे फ्यूचर नेशन बनाना है, तो जोड़ी कंट्री थोड़े हथे दे विच होएगी कुछ साल बाद, तो उन्हें चीज़ फीलिंग हो रही होगी कि देयर आर वी अज के युग दे विच कुछ नैगेटिव प्रैक्टिसिज ने एज ए सोसाइटी दे विच जो तुसी फ्यूचर दे विच नहीं देखना चाहते। सो उन्हों चीज़ में देखो तो सोचो वो बारे, तो उस तो बाद कहें फोर ग्रुप्स के बैठो तो जो माल प्रैक्टिस ने इन्हों डिस्कस करो जो कि सोसाइटी के चल रहे हैं जो कि चेंज होने चाहिए ने, तो उन्होंने एरीडिकेट करेट कर कुछ सुजैशन लिखो। डिस्कशन तो आज जो लीडर होएगा हर ग्रुप का वो पॉइंट्स में ब्लैकबोर्ड पर लिखेगा। सो मैं थोड़ा ये आंसर लिखवा दी और ग्रुप वन जिमें कि उन्होंने को माल प्रैक्टिस है, नो एजुकेशन फॉर गर्ल्स यानी गर्ल्स ले ली कोई पढ़ाई नहीं, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए है, ये बच्चे ने नोटिस किया ग्रुप वन के। सो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो काफ़ी लो है कंट्री दे विच, ग्रोथ ऑफ कंट्री के कंपैरिजन दे विच। ठीक है, उस तो बाद जी ग्रोथ ऑफ कंट्री है वह भी स्लो हो रही है बिकॉज वूमेन एजुकेट नहीं है, ये ना की है हर मैंबर जो फैमिली इफेक्ट पैंता है, तो इनू रोकने या इनू खत्म करने सजेशन बेटी पढ़ाओ सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अदर जोड़े दूसरी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं ये भी स्टार्ट होने चाहिए ने, ऑनर अकैडमिक सक्सेस से एक्स्ट्रा सरिकुलर अचीवमेंट्स। नैक्सट है माल प्रैक्टिस कि डोमैसटिक वायलेंस यानी जो घर अत्याचार होंगे इस्त्रियों से, सोडा वायलेंस है वूमेन के अगेंस्ट वो हाईली प्रेवलेंट है इंडिया के, ऑलमोस्ट 70% ऑफ जी वूमेन है वो डोमैसटिक वायलेंस का शिकार है। सजेशंस की हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ आने चाहिए ने कि जेडे भी वूमेन के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं उन्होंने पनिशमेंट मिलनी चाहिए है, जी पुलिस प्रोटेक्शन है वूमेन्स नू देनी चाहिए जोड़े इस चीज़ का शिकार है। नैक्सट है ब्राइब एंड करप्शन यानी ब्राइब मीनस रिश्वत। ठीक है, सो जी करप्शन है जो भी कोई ऑफिसर या कोई भी बंदा गिफ्ट या कैश लैंदा है उहदा काम करन दे बदले वो करप्शन है, इस तरह नहीं कि हक की कमाई लै रहा है वो बिना हक की कमाई लै रहा है, ये जो सिस्टम है बैडली नेशन की ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं। ये सो ये सजेशंस की ने, ये सजेशंस यही ने कि जो परसन है ब्राइब लैंदा है उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए या परमानेंटली डिसमिस कर देना चाहिए, जोड़े कंट्री के सिटीजनस है उन्होंने कोई भी ब्राइब यानी रिश्वत देनी नहीं चाहिए ना ही लैनी चाहिए है, इन केस जो कोई ऑफर करता या दिता हो फड़िया भी जाए तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देनी चाहिए पुलिस के ताकि उस परसन के अगेंस्ट एक वैलिड एक्शन लिता जा सके। नैक्सट है डाउरी यानी दास की प्रथा,
सो मोस्ट डीप रूटेड एवरेस्ट सोसाइटी का यानी काफ़ी टाइम तो चल रहे थे ने काफ़ी जड़ा बना रखिया ने गर्ल्स नू मर्डर कर दिता जाता है बिकॉज उन्होंने फैमिलीज एबल नहीं है कि वह जड़े ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे की फैमिली उन्होंने दाज दे सकन सजेशन यही है कि जी एजुकेटेड डॉटर्स हैं उन्होंने एजुकेट किया जा सके तो जे ओ डॉटर्स है ना उन्होंने उन्होंने करियर के लिए एनकरेज किया जाए उन्होंने सिखाया जाए किस तरह इंडिपेंडेंट रिस्पोंसिबल रह सकती ने अपनी डॉटर्स नो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन तो इक्वली ट्रीट किया जाए उन्होंने एनकरेज ना किया जाए कि हाँ जी डॉरी दो उन्होंने भी समझाया जाए कि डॉरी एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है सी पार्ट कैरियर अवेयरनेस एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग कैरियर। सो बुक के मैं तुम्हें दिखा दें असं की कंप्लीट किया असी यह कंप्लीट कर चुके हैं ये भी कंप्लीट कर चुके हैं हूँ असी आ चुके हैं कैरियर प्रति चेतना है तुम खुद रीड कर लेना ठीक है ये मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दिनी हाँ बिकॉज वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये है थिंक एंड टैल ए गुड चॉइस ऑफ करियर डिपेंड्स अपॉन विच थिंग किसी भी करियर की जी वधिया चॉइस है किस पर डिपेंड करती है से गुड चॉइस ऑफ करियर डिपेंड करती है फैमिली की कंडीशन से एटीट्यूड से टैलेंट से इकनोमिक से सोशल सरकमस्टेंसिस से यानी कोई भी गुड चॉइस आप कर रहे हैं करियर की अपनी एक तो फैमिली की थोड़ा देख के करो कि थोड़ी फैमिली एफर्ड कर सकती है थोड़ा एटीट्यूड किस तरह का थोड़ा टैलेंट किस दे विच है तो इकनोमिक से सोशल जो हालात ने किस तरह के ने। नैक्सट है किन्ने टाइप्स की काउंसलिंग जी कैरियर काउंसलर ने सुजैसट करते हैं सो कैरियर काउंसलर सुजैसट करते हैं क्लास काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग या परसनल काउंसलिंग। नैक्सट है केंद्र कि चीज़ के लिए जी नवदीप सी हैप्पी सी सो नवदीप हैप्पी सी कि किन्ने महान जड़े काम ने उदे स्कूल दे विच होन जा रहे सी। नैक्सट है नाउ डेज यानी अजकल वाई इज़ इट कम गुड टू मूव विद लॉट ऑफ करियर ऑप्शनज ये चीज़ वधिया क्यों है कि असी बहुत सारे करियर ऑप्शन नाल लेके चलीए सो बिकॉज इस तरह है कि जे पहला टारगेट जरा फस्ट प्लैन या टारगेट है जो साडा अचीव नहीं हो पाता या फिर ये चीज़ नहीं है कि हर बार साडा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा सानू प्लान नंबर टू या थ्री दे नाल यानी प्लान बी ते सी दे नाल रेडी रहना चाहिए कि जो साडा पहला नहीं पूरा हो पाया असीं प्लान बी ते काम कर सकीए। नैक्सट है कहिंदे किहड़ी वधिया चीज़ा अपने स्कूल दे विच नोटिस होनी चाहिए ने सो दे बहुत सारी अच्छी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल कैरियर काउंसलिंग होगी स्टूडेंट्स के लिए। नैक्सट है मनीषा वट क्वालिटी डू यू फाइंड इन मनीषा मनीषा के अंदर किहड़ी वधिया क्वालिटी है सो मनीषा काफ़ी कॉन्फिडेंट है She has an inquiring mind यानी इंक्वायरी करती है क्वेश्चन आस्क करती है अपने टीचर्स में जो उन्होंने कोई डाउट होंगे ठीक है एक अच्छी हैबिट होंगी है क्वेश्चन की। नैक्सट आंदा है साढ़े को मैं तुम्हें ये दिखा दिनी हाँ सो ये तो क्वेश्चन कर लेने उस तो बाद आंदे को कैरियर सॉरी कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें दसना है सो ये दिता हुआ थानू ये की है कि मैं क्लास टेंथ का स्टूडेंट है PSCB बोर्ड वालों तो मैं ज्योग्राफी सोशियोलॉजी तो इनवायरमेंटल साइंस ले लिया 11th क्लास के लिए बहुत सारे लोग मैनू कह रहे हैं कि ज्योग्राफी के कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है इन्ना ज़्यादा बिना साइंस तो मैथ्स तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट इन्ना वधिया है नहीं है बट मैं ज्योग्राफी बहुत पसंद है जब मैं छोटा सी उस टाइम तो ही तो तुम मैं गाइडेंस दे सकते हो कि मैं ज्योग्राफी परस्यू करनी चाहिए है फ्यूचर के नहीं ठीक है। सो यदा आंसर की होएगा सल्यूशन की है कि यस असी अपना ज्योग्राफी के करियर बना सकते हैं ज्योग्राफी कोर्स के बिना मैथ्स तो भी क्योंकि जरा मैथ्स है ज्योग्राफी कोर्स के लिए जरूरी नहीं है हाउएवर जो मैथ्स पढ़ते हैं उन्होंने जी प्रेफरेंस एडमिशन के टाइम पर मिल सकती है। नैक्सट जो डाउट है वो की है क्वेश्चन की है कि वोकेशनल कोर्सिज ने जोड़े एग्रीकल्चर के फील्ड टेंथ तो बाद की ने तो मैं उन्होंने काबिल हाँ एलीजिबल हाँ तो यह है यस तुम एलीजिबल हो टू स्टडी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर टेंथ पूरी करन तो बाद एक जो कैंडीडेट है उन्हें टेंथ स्टैंडर्ड घट्टो घट 40 नंबर ना पास की है फ्रॉम अ रिकोगनाइज बोर्ड यानी कोई जाने माने बोर्ड तो एलीजिबल है कि वह डिप्लोमा कर सकता है एग्रीकल्चर के ठीक है। सो नैक्सट आते हैं कुछ एडिशनल इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने भी एक बार रिवाइज कर लें कहते इन्हों के टैलेंट नहीं है इन्हों के टैलेंट नहीं है बहुत ईजी है सिंगिंग एक टैलेंट है डांसिंग एक टैलेंट है प्लेइंग एक टैलेंट है बट वीपिंग एक टैलेंट नहीं है। सो वीपिंग की होंगे रोना
हाउ कैन वी पॉलिश अवर स्किल्स और टैलेंट, असी अपनी जो टैलेंट है स्किल्स है उन्होंने किस तरह तराश सकते हैं, तो सो आंसर है बाय प्रैक्टिस। डैश इज द लॉ ऑफ नेचर, की कुदरत का नियम है, चेंज बदलाव। नैक्सट है फ्लोइंग वाटर नैवर गोज डैश, यानी बहता हुआ पानी कदे भी नहीं जाता, कितने नहीं जाता, स्टेल। नैक्सट है एक ओपन माइंडेड परसन को गुण होंगे ने, सो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दूजे की गल भी सुनता है, चुनौतियों एक्सैप्ट करता है, नवी चीज़ों सुनने के लिए तैयार रहता है। नवे कैरियर ऑप्शन की ने, डॉग ट्रेनिंग, यूट्यूबर या कुकिंग, सो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शन ने, सारे ही कैरियर ऑप्शन ने। रिजिड थिंकिंग बिकम्स, रिजिड थिंकिंग की बन जाती है अगे जाके, ब्लॉकेड बनती है, बेनीफिशियल बनती है, कुछ नहीं बनती है, सारे बन जाती है, सो आंसर आएगा ब्लॉकेड। नैक्सट है कि टाइप ऑफ रिजिडनेस दे जो आउटकम्स ने, यानी जो कि कह सकते रिजल्ट ने पॉजिटिव ने, सो यदा आएगा ऑल ऑफ दीज, ये तो पहले भी मैं समझा चुकी हाँ। हर स्टूडेंट नू डैश कैरियर ऑप्शन चूज करने चाहिए ने, घट्टो घट किन्ने होने चाहिए ने, 3। कहिंदे इन्हां विच्चों केड़ी काउंसलिंग नहीं है, परसनल, रनिंग, क्लास ग्रुप, तो आंसर आ जाएगा रनिंग। नैक्सट है फिलिप्स ने, की तुहानू स्पैशल बनाउंदा है तुहाडा टैलेंट, सब दे विच की होना चाहिए एक फ्लैक्सीबल एटीट्यूड। नैरो माइंडेड परसन हमेशा की करते हैं, दूजियां नू क्रिटिसाइज। फ्लोइंग वाटर कदे भी कितने नहीं जाता, स्टेल। उस तो बाद है यू कैन फ्लोरिश योर डैश बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन एंड बाय अपडेटिंग योर नॉलेज अबाउट योर टैलेंट, तुहाडा जो भी टैलेंट है उसनों तुसीं किस तरह फ्लोरिश कर सकते हो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके, तो उसके बारे जिहड़ी नॉलेज है उन्हें अपडेट करके, ठीक है जी। नैक्सट है मैचिंग है स्किलफुल, स्किलफुल की मैचिंग किसी होगी एवरी चाइल्ड, यानी हर चाइल्ड के अंदर एक स्किल है। लर्निंग, लर्निंग की मैचिंग किसी होगी एक्सरसाइज। नैक्सट है चेंज, चेंज की कितने होगी लॉ ऑफ नेचर, बिकॉज चेंज जोड़ा है लॉ ऑफ नेचर है। नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड की है सैड, जोड़े नैरो माइंडेड होंगे सैड रहेंगे। रिजिड थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग का मतलब की कहेंगे असी कि हाइंड्रेस इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस रुकावट है। नैक्सट है ट्रू फॉल्स है, एक नैरो माइंडेड परसन कभी भी नैगेटिविटी स्प्रेड नहीं करता, गलत, वो हमेशा नैगेटिविटी स्प्रेड करेगा। सॉरी एक ओपन माइंडेड परसन हमेशा खुश रहेगा, सही। नैरो माइंडेड परसन रिलेशन्स बनाने विच फेल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हर चाइल्ड के विच टैलेंट नहीं होंदा, गलत, हर चाइल्ड के विच कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होंदा है। एक परसन के विच फ्लैक्सीबल एटीट्यूड है, वो नेचर के विच फ्रेंडली होएगा, बिल्कुल सही है। नैक्सट है किन्ने टाइप ऑफ काउंसलिंग है, 3 टाइप्स की। एक विशेषता दसो जिन्हों के ओपन माइंड होंगे ने, सो वो हमेशा कुछ ना कुछ नवा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। कहिंदे वट टाइप ऑफ नेचर ऑफ अ परसन इज ब्लॉकेड फॉर फैमिली, सो फैमिली लिए की ब्लॉकेड बन जाएगा परसन का, किहड़ा नेचर, रिजिड नेचर। नैक्सट है किहड़े पॉइंट्स माइंड होने चाहिए ने जो भी असं कैरियर चूज करना है, अपना इंट्रस्ट, अपना जरा आर है वह नीड, तो अपनी जी वधिया पैसे आते हो। नैक्सट है किहड़ा एटीट्यूड एक बंदे के अंदर होना चाहिए, फ्लैक्सीबल एटीट्यूड। असी अपनी स्किल्स नू किवें पॉलिश कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके। सिंगर्स अपनी सिंगिंग स्किल नू किवें पॉलिश करते हैं, रोज प्रैक्टिस करके सिंगिंग की। नैक्सट है रिस्पोंसिबल पर्सन की ड्यूटीज की ने, कि वह रूल्स फॉलो करे सोसाइटी की, ठीक है। नैक्सट है रिजिड बिहेवियर बी ऑफ एनी बेनीफिट टू एस, एंड रिजिड बिहेवियर सू बेनीफिट दे सकता है, यस, हार्डवर्क के दे सकता है। नैक्सट है ह्यूमन का नेचर की है चेंजेबल, सो आ पैराग्राफ तुम खुद कर लेना, बिकॉज वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, ये तुम कर लेना। जो किसी कोई डाउट हो तो मैंने पूछ लेना। होप तुम्हें वीडियो वजिए लगी होगी, वीडियो वजिए लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।